इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए finovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, तो आज हम बात करने वाले हैं ललित मोदी के बारे में, जिसने IPL के आइडिया को इंडिया में एग्जीक्यूट किया और उनकी मेहनत के चलते इंडिया में IPL शुरू हुई। उन्होंने खुद जाकर बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज को कन्विंस किया कि वो IPL की टीम को खरीदे और मेक श्योर किया कि IPL से अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बने। IPL के वो पहले चेयरमैन भी थे। इंडिया में IPL लॉन्च करके उन्होंने इंडिया में क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए जो काम किया था वो सही में काबिले तारीफ था और हर कोई इस काम के लिए उनकी तारीफ भी कर रहा था। IPL के जरिए इंडिया के बहुत सारे यंग प्लेयर्स को अपना टैलेंट दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिली और कई सारे प्लेयर्स ने IPL के जरिए अपना टैलेंट दिखाया भी और टीम इंडिया में जगह भी हासिल की। पर सवाल ये था कि उन्होंने ये सब इंडिया में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए किया या फिर अपने खुद के फायदे के लिए किया। IPL का तीसरा सीजन खत्म होने के बाद, यानी 2010 का सीजन खत्म होने के बाद, ललित मोदी को IPL के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। साथ ही उन पर कई सारे आरोप भी लगे। तो चलो देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या था, और उसके लिए सबसे पहले हम ललित मोदी के बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ललित मोदी का जन्म दिल्ली के एक बिजनेस फैमिली में हुआ। बाद में इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए वो US चले गए। वहां पर उन्हें कोकेन नाम के ड्रग की ट्रैफिकिंग करने के लिए, यानी कोकेन की डील करते वक्त उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही उन पर सेकंड डिग्री किडनैपिंग का भी आरोप लगाया गया। अपने इन आरोपों को ललित मोदी ने कोर्ट में कबूल कर लिया, जिसके चलते उन्हें 2 साल की सजा हुई। बाद में उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उनकी सजा कम की जाए, जिसके बाद US के कोर्ट ने उन्हें 100 घंटे कम्युनिटी सर्विस करने के लिए कहा और साथ ही US पुलिस को ललित मोदी पर नजर रखने के लिए कहा। फिर जल्दी ललित मोदी ने कोर्ट के पास और एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है और उनकी फैमिली इंडिया में रहती है, तो उन्हें इंडिया जाने के लिए अलाउ किया जाए, और कोर्ट ने उन्हें अलाउ किया। जिसके बाद वो इंडिया वापस चले आए और उन्होंने आकर इंडिया में अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया, ये उनका फैमिली बिजनेस है। तो इंडिया आने के बाद वो अपने इस फैमिली बिजनेस को चलाने लगे। अगर गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया की बात की जाए तो ये कंपनी इंडिया की एक बड़ी टोबैको कंपनी है, जो अलग अलग सिगरेट और पान मसाला बनाती है। मालबोरो, फोर स्क्वेयर, रेड एंड वाइट, कैवेंडर्स, स्टेलर एटसेट्रा, ये सारे सिगरेट ब्रांड्स गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया के हैं। साथ ही पान विलास, ये पान मसाला भी वही बनाते हैं, और 24/7 नाम की रिटेल चेन भी वही चलाते हैं। तो कुछ टाइम अपने इस फैमिली बिजनेस में काम करने के बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसका नाम उन्होंने रखा मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क। मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क के जरिए ललित मोदी ने जो इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट चैनल्स है या स्पोर्ट्स चैनल्स है, उनके साथ टाई अप किया और उन चैनल्स का वो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन करने लगा। कई सारे बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने उनके साथ पार्टनरशिप की थी और लगभग 5-5, 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे। लेकिन जैसे ये 5-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट हुए, उन कंपनीज ने ललित मोदी की कंपनी के साथ काम करने से मना कर दिया। कई सारी कंपनीज ने उन पर आरोप लगा कि वो चीजों में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं। कई सारी कंपनीज ने ये कहकर उनसे काम करने से मना कर दिया कि मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करती है। तो अपने इस बिजनेस फेलियर के बाद ललित मोदी एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। उसी बीच उसने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में क्रिकेट का काफी ज्यादा क्रेज है, ज्यादातर इंडियंस क्रिकेट के लिए पागल हैं। और जब वो US में थे तब उन्होंने देखा था कि वहां पर बहुत सारी प्राइवेट स्पोर्ट्स लीग होती है, जैसे कि बास्केटबॉल के लिए NBA, जिसमें प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर हायर किया जाता है। साथ ही अलग अलग प्राइवेट टीम्स बनती हैं, जो अलग अलग तरीके से अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो ललित ने सोचा कि सेम आइडिया अगर इंडिया में लाई जाए और क्रिकेट के लिए एक लीग बनाई जाए तो इंडिया में वो एक बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती है। तो IPL शुरू होने के 10-12 साल पहले ही ललित मोदी ने अपनी आइडिया BCCI को बताई थी, लेकिन BCCI ने उस टाइम इस आइडिया में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन इसके बावजूद भी ललित ने गिव अप नहीं किया, वो बिना गिव अप किए अपने इस आइडिया पर लगातार काम करते रहे। तो यहाँ पर ललित मोदी को एक चीज पता चली कि अगर BCCI की वजह से ये काम नहीं हो रहा है तो या तो मुझे BCCI में कोई कनेक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे या फिर BCCI में कोई पोस्ट हासिल करनी पड़ेगी। तो ललित ने अपना पूरा फोकस BCCI की पोस्ट हासिल करने पर लगाया। उसे ये भी अच्छे से पता था कि BCCI में पोस्ट हासिल करने के लिए पहले उसे किसी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को ज्वाइन करना होगा, और उसने शुरुआत की हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से। 1999 में ललित मोदी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में सिलेक्ट हो गए। बाद में 2004 में वो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद जल्दी वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए, और बाद में जल्दी साल 2005 में ललित मोदी BCCI का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। और अपना IPL का सपना पूरा करने के लिए उसे BCCI में VP की पोस्ट काफी थी। तो यहाँ पर उसके IPL के सपने का पूरा करने का प्लान जिस वजह से रुक रहा था, यानी BCCI के अप्रूवल की वजह से रुक रहा था, वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया था। तो BCCI का VP बनने के बाद अब ललित मोदी के हाथ में अच्छी खासी पावर आ चुकी थी। तो यहाँ पर ललित मोदी का सबसे पहला फोकस ये था कि अपनी बिजनेस स्किल्स दिखाकर BCCI के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका ट्रस्ट जीत लेना। और इसलिए उसने क्रिकेट मैच के एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कई सारे रूल्स चेंज किए
और कई सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट इंट्रोड्यूस की जिसकी वजह से बीसीसीआई का रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ललित की इस अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से बीसीसीआई के जो बोर्ड मेंबर हैं वो उस पर ट्रस्ट करने लगे, जिसके बाद ललित कई सारी डील्स अकेले करने लगा और बोर्ड्स ललित की हर डिसीजन को सपोर्ट करने लगा। जिसके बाद ललित ने अपनी आईपीएल के आइडिया को बोर्ड मेंबर्स के सामने रखा और उन्हें बताया कि कैसे आईपीएल की वजह से बीसीसीआई का रेवेन्यू कई गुना बढ़ सकता है। बोर्ड ने ललित के प्लान्स को तुरंत मंजूरी दी और यहां से आईपीएल की जर्नी शुरू हुई। और यहीं से ललित ने अपना खुद का गेम खेलना भी शुरू किया। उसने आईपीएल से रिलेटेड कई सारी डील्स ऐसी की जिससे उसके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को फायदा मिल सके। ललित ने मेक श्योर किया कि राजस्थान रॉयल की जो फ्रेंचाइजी कॉस्ट है वो कम रहे। और फिर ललित के ब्रदर इन लॉ ने यानी सुरेश चेलाराम ने राजस्थान रॉयल्स में मेजोरिटी स्टेक ले लिया। तो इस तरह की कई सारी डील्स उसने ऐसे की जिसका डायरेक्ट फायदा उसे, उसकी फैमिली को और उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को मिला। जब आईपीएल 2008 में पहली बार लॉन्च हुई तो वो तुरंत सुपर हिट हो गई और हर कोई आईपीएल के सक्सेस के बारे में बात कर रहा था, हर कोई ललित मोदी के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि ललित मोदी ने अकेले बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि अंबानी को आईपीएल की तरफ लाया, साथ ही इंडिया में आईपीएल का एक बहुत बड़ा क्रेज क्रिएट किया। आईपीएल से बीसीसीआई को भी बहुत फायदा मिला, उनका रेवेन्यू आईपीएल की वजह से कई गुना बढ़ गया। आईपीएल के सक्सेस के बाद ललित मोदी ने चैंपियंस लीग पर काम करना शुरू किया। चैंपियंस लीग की आइडिया चैंपियंस लीग नाम के फुटबॉल लीग से ली गई है। फुटबॉल की जो चैंपियंस लीग होती है उसमें अलग अलग कंट्रीज की जो फुटबॉल लीग्स हैं उसमें से टॉप टीम्स को पिक किया जाता है और फिर उन टीम्स की एक लीग क्रिएट की जाती है। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट ललित मोदी ने क्रिकेट में लाया, जिसमें आईपीएल जैसी और भी जो लीग्स अलग अलग कंट्रीज में चल रही थी उनमें से टॉप टीम्स को पिक करके एक लीग बनाई गई जिसे नाम दिया गया चैंपियंस लीग। लेकिन ललित मोदी का ये सक्सेस ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। कोची टस्कर्स केरला इस आईपीएल फ्रेंचाइजी की बीड रैंडिजू स्पोर्ट्स वर्ल्ड दैट इज आरएसडब्ल्यू इस कंपनी ने जीत ली, जिसकी को ओनर सुनंदा पुष्कर थी। सुनंदा पुष्कर उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर शशि थरूर की क्लोज फ्रेंड थी और बाद में उनकी वाइफ बनी। एक्चुअली जो पूरी डील थी ये एक अनडिस्क्लोज डील थी, लेकिन ललित मोदी ने ट्वीट करके इस पूरी डील को डिस्क्लोज कर दिया, जिसके बाद शशि थरूर पर कई सारे आरोप हुए कि उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके कोची टस्कर्स केरला का कंट्रोल हासिल किया है और इसी रीजन के चलते उन्हें अपने पद से रिजाइन करना पड़ा था। और यहीं से ललित मोदी की डिफिकल्टी शुरू हो गई। यहां से ही ललित मोदी ने अपने फायदे के लिए जो आईपीएल का इस्तेमाल किया था उससे जुड़ी सारी चीजें बाहर आने लगी। 2010 के आईपीएल होने के तुरंत बाद ललित मोदी को आईपीएल के चेयरमैन पद से हटा दिया गया, साथ ही उसे बीसीसीआई के वीपी पद से भी हटा दिया गया। बीसीसीआई ने ललित मोदी पर 22 तरह के अलग अलग चार्जेस लगाए, जैसे कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स को कॉन्ट्रैक्ट देना, आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग डील्स अपने फायदे के लिए यूज करना, साथ ही फैमिली मेंबर्स को आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बेचना, मनी लॉन्ड्रिंग एटसेट्रा। बाद में ईडी दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जिसमें इसके अलावा और भी कई सारी चीजें सामने आई। अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस में ललित मोदी पर ही आरोप लगे कि उसने आईपीएल की कई सारी डील्स अपने फायदे के लिए यूज की और उन पैसों से कई सारी अलग अलग कंट्रीज में प्रॉपर्टीज खरीदी, साथ ही उसने मॉरिशस जैसी कंट्रीज में कई सारी अलग अलग कंपनीज फॉर्म की और उनके जरिए अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया। ललित मोदी पर और भी कई सारे आरोप लगे, जैसे कि साल 2009 की आईपीएल साउथ अफ्रीका में खेली गई, उस टाइम बीसीसीआई ने 243 करोड़ क्रिकेट साउथ अफ्रीका को भेज दिए थे। इस ट्रांजैक्शन के लिए उन्हें आरबीआई की परमिशन जरूरी थी, लेकिन उन्होंने आरबीआई की परमिशन के बिना ही कुछ अलग अलग एंटिटीज बनाकर वो पैसा क्रिकेट साउथ अफ्रीका को ट्रांसफर किया। ललित मोदी पर जो मेन आरोप लगा वो वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप दैट इज डब्ल्यूएसजी से रिलेटेड था। साल 2008 में बीसीसीआई ने डब्ल्यूएसजी को आईपीएल के मीडिया राइट्स 10 साल के लिए दिए थे। उसके बाद WSG ने सोनी के साथ डील की और सोनी को आईपीएल का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर बना दिया। इस डील में सोनी ने WSG को 425 करोड़ फेलिसिटेशन फीस के नाम पर दिए थे, लेकिन इस फेलिसिटेशन फी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया और जिस तरह से 425 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे वो तरीका भी बड़ा क्वेश्चनेबल था। जब इस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तब ललित मोदी पर ये भी आरोप लगे कि WSG को जो 425 करोड़ रुपए सोनी से मिले थे उसमें से कुछ पैसा ललित मोदी की कंपनीज को ट्रांसफर किया गया है। जैसे ही इन सारी मामलों की इंक्वायरी शुरू हुई तभी ललित मोदी को पता चला कि आगे चलकर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और वो तुरंत लंदन चला गया। उसके बाद कई सारे वारंट्स ललित मोदी के खिलाफ निकाले गए, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वो फिर से कभी इंडिया नहीं आया और ना ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसकी इंक्वायरी कर पाई। साल 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ललित मोदी के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किया गया, लेकिन उसका भी ललित मोदी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में उसका पासपोर्ट कैंसिल किया गया ताकि वो यूके के बाहर कहीं ट्रैवल ना कर पाए। लेकिन बाद में जब सुषमा स्वराज इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर बनी तो उन्होंने ललित मोदी को यूके से बाहर ट्रैवल करने के लिए अलाउ किया। बाद में सुषमा स्वराज की डिसीजन थी उससे रिलेटेड भी कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, क्योंकि ललित मोदी के केस में सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ललित मोदी की लॉयर थी। तो ना कि सिर्फ ईडी बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इस जैसी कई सारी एजेंसीज ललित मोदी के इंडिया आने का इंतजार कर रही है, लेकिन ललित मोदी पर इन वारंट्स और नॉन बेलेबल वारंट्स का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है और वो बड़े ऐश से लंदन में अपनी जिंदगी गुजार रहा है।
वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।